हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बना जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं। साथियों, अभी यहां हरोली में बहुत बड़े बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास हुआ है। कुछ दिन पहले, जैसे जयराम जी बता रहे थे, नालागढ़ बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी काम शुरू हो चुका है। ये दोनों प्रोजेक्ट देश के साथ साथ दुनिया भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हैं। अभी डबल इंजन की सरकार इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में यहां 10000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। दवा उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे अव्वल बनाने में हिमाचल की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। अभी तक हमें जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएंगी। आज जन औषधि केंद्रों के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर हमारी सरकार गरीब की चिंता को कम करने का काम कर रही है। ये बल्क ड्रग पार्क गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने के अभियान को और मजबूती देगा। साथियों, हिमाचल के आप सभी लोग गवाह हैं कि खेती हो या उद्योग, जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाती।
पहले की सरकारें कैसे काम करती थी उसका एक उदाहरण हमारा नांगल डैम तलवाड़ी रेल लाइन का है। इस रेल लाइन को 40 साल पहले, आप सोचिए 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन को दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी, सिग्नेचर कर लिए और सामने चुनाव आते थे तो लोगों के आंखों पर धूल झोंक करके वोट भी बटोर लिए। 40 साल से ज्यादा समय हो गया, जमीन पर एक रत्ती पर काम नहीं हुआ, लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा छुटपुट कुछ नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए अगर ये काम पहले हो गया होता तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब शक्तिपीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। साथियों, हिमाचल के युवाओं का हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपके इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था? साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को IIT के लिए, IIIT के लिए, IIM के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में IIIT की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है इस IIIT की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और आज लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं भाई। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं IIIT के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया। साथियों, युवाओं के कौशल को, युवाओं के सामर्थ्य को निखारना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे देश में
इनोवेशन और स्किल से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल के लिए तो ये शुरुआत भर है। हिमाचल के युवाओं ने फौज में रहते हुए देश की सुरक्षा में नए आयाम बनाए हैं। अब अलग अलग तरह की स्किल उन्हें फौज में भी और ज्यादा ऊंचे पदों पर ले जाने में मदद करेगी। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ है। साथियों, जब सपने बड़े होते, संकल्प विराट होते हैं, तो प्रयास भी उतने ही बड़े किए जाते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में हर तरफ यही प्रयास नजर आता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ठान लिया है ना? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत काल में अब हिमाचल के विकास का स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। ये स्वर्णिम काल हिमाचल को विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसके लिए आप सब लोगों ने दशकों तक इंतजार किया है। मैं एक बार फिर इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सभी त्योहारों के लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।